बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो हमारा 3.2 टॉपिक कंटिन्यू था वो लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आज हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन या पॉइंट को क्लियर करने के लिए उससे पहले मैं आइसोलेटेड सिस्टम का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम नाम से मैं पॉइंट क्लियर हो रहा है कि एक अकेला सिस्टम है कोई भी, तो इसके लिए हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो होगा कि वो आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसी तरह से ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट ना करी हो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में ये कंडीशन लगाता है कि जो हमारे पास सिस्टम हो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम हो उस टाइम हमारे पास दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करें, तीन करें, चार करें, जितने भी बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, तब हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हों और सिस्टम आइसोलेटेड हो हमेशा हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व आएगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि हम तीन लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दस रुपये हैं, किसी के पास 5 रुपये हैं, एक के पास फिर 15 रुपये हैं, तो टोटल हमारे पास 30 रुपये हैं। हम आपस में अगर शेयरिंग करेंगे तो कम ज़्यादा करके टोटल जो करेंगे वो 30 रुपये ही आएंगे, अगर बाहर से कोई इंटरेक्शन है नहीं होगा, इसी को आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे रहे हैं। इसी तरह से अगर फोर्सेज ये कोई चीज़ एक्ट कर रही है तो उसके अंदर बाहर से अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर होगा। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्लियर करेंगी। पहला एग्जाम्पल जो है हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये एक बैलून है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हवा भरी हुई है। अब इस बैलून में जो हवा भरी हुई है, अब अगर हमने इसको पकड़ के रखा है इसके अंदर से हवा बाहर नहीं आ रही, अब हवा बाहर नहीं आ रही, बैलून रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से इसका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, P=mv=0। इसका जो टोटल मोमेंटम आ जाएगा एम वी वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि v क्या है, 0, तो जब वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि इस बैलून का जो हमने छोड़ा बांधा हुआ था या पकड़ा हुआ था उस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर से क्या होगी, हवा बाहर आना शुरू हो जाएगी। जब हवा बाहर आएगी तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्यों, इसका कोई ना कोई मोमेंटम तो आ जाएगा जो हवा बाहर निकल रही है। तो इसी तरह से जब इसका मोमेंटम होगा तो बैलून उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो मूव करेगा, तो उस टाइम हमारे पास जो है बैलून का भी कोई ना कोई मोमेंटम आ जाएगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एयर के। तो जो बैलून और एयर का जो टोटल मोमेंटम देखेंगे वो 0 आएगा, मतलब वो एक दूसरे से ऐसे ऑपोजिटली मूव कर रहे होंगे कि जिसको सम अप करेंगे तो हमारे पास जो नेट मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम एग्जांपल एक दूसरी लेते हैं, उसके अंदर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक एम है या कोई बॉडी है एम है, एम वन है, वो जिस स्पीड से मूव कर रही है उसको हमने यू वन का नाम दिया, तो जब वो मूव कर रही है यू वन स्पीड से, मास एम वन है, तो जो टोटल मोमेंटम होगा इसका वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वन यू वन आ जाएगा, इसका जो मोमेंटम आ गया वो एम वन यू वन आ गया। अब इसी तरह से एक ब्लॉक और है जो मूव कर रहा है यू टू स्पीड के साथ और उसका जो मास है वो एम टू है, तो उसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम टू यू टू आ जाएगा। और हम इन दोनों ब्लॉक्स का अगर टोटल मोमेंटम मालूम करना चाहेंगे बिफोर क्लुइन, या हमें पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि बिफोर क्लुइन टकराव से पहले, टकराने से पहले जब इन दोनों का टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इंडिविजुअली तो ये आ गया। अच्छा, अब ये क्या होगा, यू वन स्पीड इसकी मतलब जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो एम वन की स्पीड ज़्यादा है यू टू से, तो यू वन जो है टकराएगा जाके एम वन जो है वो टकराएगा जाके एम टू से, क्योंकि यू वन जो है वो ग्रेटर देन है यू टू से। अब जब ये M1 M2 से टकराएगा तो ये जब कोलिजन हुई है ये पॉइंट आ गया, अब टकराने के बाद फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो आफ्टर कोलिजन जो है हम उसका भी मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे।
अच्छा आपने कुलियन हमने कहा कि मैथ्स डेफिनेटली M1 था, M1 ही रहेगा, उसकी स्पीड चेंज होगी जिसको हमने V1 का नाम दे दिया, और इसी तरह से M2 था मैथ्स तो वही रहेगा, उसकी स्पीड चेंज होगी उसको हमने V2 का नाम दे दिया। अब हमने कहा M1 जो ब्लॉक था टकराने के बाद उसका क्या मोमेंटम हुआ, वो M1 V1 आ गया, और टकराने के बाद M2 का ब्लॉक का मोमेंटम क्या गया, M2 V2 आ रहा है। इसी तरह से आफ्टर कुलियन M1 M2 का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो M1 V1 प्लस M2 V2 आ जाएगा। अब हमने कहा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर उसी पॉइंट को देखें तो हमारे पास इनिशियल जो मोमेंटम है इस पूरे सिस्टम का, ये जो इनिशियल मोमेंटम है ठीक है, ये बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, तो उसके मुताबिक हमने देखते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास हमने कहा जी पहले क्या है, वो M1 U1 प्लस M2 U2 है, और इसके अंदर जो आफ्टर कोलिजन आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल जो मोमेंटम है वो आ जाएगा जो कि एक दूसरे के इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में यही कह रहा है कि टकराने से पहले टकराने के बाद जब हम ओवरऑल एक सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो नेट मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो ये जो पहले मोमेंटम था वही हमारे पास जो मोमेंटम है वो बाद में आ रहा है, मतलब है कि ये M1 U1 M2 U2 बराबर होगा M1 V1 प्लस M2 V2 के आ जाएगा। अच्छा अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हम बड़ी जगह पे यूज़ करते हैं, बड़ी इसकी एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा अब एग्जांपल थ्री आया, एग्जांपल थ्री के अंदर हम गन एंड बुलेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक गन है जो रेस्ट में है और उसके अंदर ये ब्लू लाइन से फॉर एग्जाम्पल जिसे हम बुलेट शो की है, ब्लू लाइन जो है वो बुलेट है वो भी रेस्ट में है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे कहेंगे जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा ठीक है। एम फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी जो स्पीड है वो जीरो, प्लस एम ये है इसकी जो स्पीड है गन की वो जीरो, तो टोटल जो हमारे मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। अब हमने क्या किया जी, गन को फायर किया, फायर करने के बाद यहाँ से क्या, यह बुलेट बाहर निकली है, जो बुलेट बाहर निकली है तो उसका जो मैस तो जरूर पता है एम ही रहेगा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्पीड होगी वो होगी, तो वो एम वी हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा आफ्टर फायर। अच्छा जब फायर किया है, बुलेट मूव की है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारे पास जो गन है वो बैकवर्ड मूव करेगी, वो जो गन है वो बैकवर्ड मूव करेगी। अच्छा अगर यहाँ पे हम पॉइंट देखें, वैसे भी न्यूटन लॉ फर्स्ट जो है यहाँ पे आ रहा है कि एक्शन रिएक्शन होगा, तो ये बेसिकली रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी रिएक्शन आ रहा है, ये जो बैलून सिस्टम था यहाँ पे भी रिएक्शन था, और रिएक्शन के टर्म में ही वो मोमेंटम को कंजर्व करता है। अच्छा अब इसी तरह से इसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास मैस जो है वो उसका है ही है, और उसकी स्पीड भी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन गन की स्पीड बहुत है कम है, तो मोमेंटम कैसे सेम होगा, हमने कहा जी ठीक है उसकी स्पीड बुलेट की बहुत ज़्यादा है लेकिन मैस जो है गन का भी बहुत है ज़्यादा है बुलेट के नस्बत, तो जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल मोमेंटम जो गन और बुलेट का होगा वो एम वी प्लस एम वी, मतलब कैपिटल एम कैपिटल वी स्मॉल प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी के इक्वल होगा। अब हमें ये पॉइंट क्लियर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक जो पहला मोमेंटम होगा वो बराबर होगा बाद वाले मोमेंटम के, तो उसके मुताबिक अगर हम कहते हैं मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर किसका, गन और बुलेट का, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर गन और बुलेट का वो बराबर होगा, तो हमने कहा फायर करने से पहले क्या था, जीरो था, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो खैर ये हमने पुट कर दिया उसके मुताबिक किया आ गया। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यूज को रीअरेंज करके कोई वैल्यू मालूम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे, ये एम वी इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का आ जाता है। अब एम कैपिटल जो गन का है वो अगर मालूम करना वो उसको मालूम करना चाह रहे हैं तो वी स्पीड जो है वो दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे और एम इधर रहेगा, अगर हम स्पीड मालूम करना चाह रहे हैं तो वी इधर रहेगा और एम वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम गन की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यूज का पता होगा तो कोई चौथी जो वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट खुद बहुत कर सकते हैं। अच्छा अब इसकी जो आज की लास्ट एग्जांपल है, रॉकेट मिसाइल्स वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं ये मूव करती हैं, इसका तरीकेकार समझें तो तकरीबन बैलून सिस्टम में ही आ जाएगा कि इसके अंदर से जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही हैं,
जब वो इंजन हीट अप होता है, गैसेस बर्न होती हैं, बर्न होने के बाद बाहर निकलती हैं, तो जब बाहर निकलती हैं तो उनका क्या होगा, मोमेंटम होगा। पहले तो मोमेंटम जीरो था जब रेस्ट में था। अच्छा, रॉकेट के मूव करने से पहले जैसे बताया कि मोमेंटम क्या था जी, जीरो था। अब रॉकेट का मोमेंटम पहले जीरो है, रॉकेट का प्लस गैसेस का। अब जब गैसेस बाहर निकलना शुरू होगी तो गैसेस का तो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ के मुताबिक न्यूटन के, कि एक्शन रिएक्शन होता है, रिएक्शन के तौर पर रॉकेट क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। जब अपवर्ड मूव करेगा तो वो भी मोमेंटम को कंजर्व रखेगा, जिससे क्या होगा, ऊपर को मूव करने वाला और नीचे गैसेस मूव करने वाली उनके मोमेंटम को सम अप करेंगे और जब रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो जीरो ही टोटल आएगा। तो इस तरीके से जब हम देखें कोई भी बॉडी जो आइसोलेट होता है उसका जो मोमेंटम टोटल आ रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है, या फिर आसान लफ्ज़ में वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन शॉर्टली जो यहाँ पे इन्होंने बताई थी पॉइंट और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो मेरे ख्याल में तो अब तक हो गया होगा। तो इसकी एप्लीकेशन जो इंशाल्लाह अगर टॉपिक आता है तो उसका मतलब उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।